हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली जी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है। कुंवर दानिश अली को ऐसी ऐसी गालियां दी गई हैं, जैसे कि आतंकवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया है, कटुआ कहा गया है, मुल्ला कहा गया है, यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको इस वीडियो में कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि यह मामला सिर्फ दानिश अली का नहीं है, पूरे समाज का मामला है, पूरे भारतीय संस्कृति का मामला है। क्या एक माननीय सांसद के लिए, क्या किसी विशेष समाज के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? फिर भी भरे संसद में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिस सांसद ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर दानिश अली जी को यह गालियां क्यों दी गई है? दानिश अली जी ने ऐसा क्या कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बमक करके इस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया? इस वीडियो में इसी की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा गालियां क्यों दी गई हैं। साथियों, माननीय सांसद कुंवर दानिश अली जी ने भारतीय चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे और साथ ही उन्होंने ये कहा, चंद्रयान मिशन किसी एक व्यक्ति का मेहनत का फल नहीं है, उसके लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक ने उसमें अपना सहयोग दिया है, तब जाकर के इसरो के समस्त वैज्ञानिकों ने और उनकी टीम ने इस सफलता को पाया है। इसलिए चंद्रयान मिशन में शामिल सभी को मैं बधाई देता हूँ। यही बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी को चुभ गई कि क्यों नहीं दानिश अली सिर्फ मोदी जी को इसकी बधाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने न आओ देखा न ताओ देखा और बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली जी को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, न जाने कैसे कैसे भाषाओं का प्रयोग किया। और सबसे खास बात यह है कि रमेश बिधूरी के पीछे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी बैठे थे, वह ठहाके लगाकर हंस रहे थे। वहीं बगल में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी भी बैठे थे, वह भी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सांसद और विधायक के आगे माननीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। माननीय शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह व्यक्ति जो सदन में चुन कर गया है, जो विधानसभा और लोकसभा में चुन करके गया है, वह लाखों लोगों के वोट से चुन करके जाता है, इसीलिए वह व्यक्ति माननीय है। और एक माननीय सांसद को भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा गालियां दी गई, किसी समुदाय विशेष को गालियां दी गई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा कोई भी एक्शन इस बिगड़े हुए सांसद के खिलाफ नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि सदन के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। सम्मानित साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि क्या कुंवर दानिश अली जी ने, जो भारत के वैज्ञानिकों सहित पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की सफलता का बधाई दिया, तो क्या उन्होंने गलत किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।